अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, यकीनन फाइन होंगे, अच्छे होंगे, सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छे होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद अहसन। जी बेटा, पढ़ने का मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं, यकीनन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, वीडियोस देखकर आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है, हम टाइम सीरीज के चैप्टर से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा, जैसे कि लास्ट टॉपिक हमारा लीस्ट स्क्वेयर मेथड था, तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है पैराबोला मेथड। तो पैराबोला मेथड को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी बोलते हैं, उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जल्दी से, जैसा कि आपको पता है कि हमारी वीडियोस टाइम के साथ आपको मिलती रहे, तो उसके लिए जल्दी से हमारे चैनल को, जो नए आने वाले हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है नया, हमें जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, घंटी को प्रेस कर लें, ताकि उनको हमारी वीडियो लेक्चर्स वक्त पर मिलते रहें। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और अब आज का टॉपिक भी सोल्व करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए बुक से क्वेश्चन नोट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारे पास टॉपिक है वो है पैराबोला सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। जी बेटा, आज का टॉपिक जो हमारा है पैराबोला सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को हमने आज पढ़ना है और इसके बारे में सीखना है, ठीक है? इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो हैं ईयर्स की और वैल्यूज़ होती हैं वाई की, तो उनको भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपके पास जो ईयर्स गिवन है वो है 1950, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 और 1965। ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं। और जो आपके पास वाई की वैल्यूज़ गिवन है वो हैं 17, 20, 19, 26, 24, 40, 35, 35, 51, 74 और आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है 69। ये आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन हैं, जो कि आपको वो कह रहा है फिट पैराबोला सेकंड ऑर्डर इक्वेशन करें और इसको फाइंड आउट करने का तरीका हमने देखना है कि वो क्या होता है। तो अपने इक्वेशन को हम नीचे नोट करते हैं और काम की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं फाइंड पैराबोला, और साथ आपको वो बता भी सकता है कि कौन सी इक्वेशन होती है। तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन होती है। एंड आल्सो फाइंड ट्रेंड वैल्यू, ये वो आपसे कह सकता है। तो हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हम निकालने की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है, चाहिए होती है, वो हमारे पास क्या होती है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है, हमने वैल्यूज़ काउंट करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हमारे पास 11 वैल्यूज़ हैं। तो 11 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये ओड वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पे हम रखेंगे ये 0 और इसको हम ऊपर की तरफ माइनस में लेके जाएंगे और नीचे हम माइनस की बजाय पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और इनके आंसर्स निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो अपने अगली वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक एक्स वाई चाहिए होता है, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, एक्स की 4 पावर चाहिए होती है और हमें एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन को नोट करना है और सॉल्व करना है उसको। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम फाइंड आउट करेंगे वो है बी,
ये हमारे पास पी का फार्मूला होता है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास सम होना बहुत ज़रूरी है। बेटा ये फाइंड पैराबोला इक्वेशन आपको समझ आ चुकी होगी, ये मैं रेस कर देता हूँ ताकि हम इस जगह पर भी अपनी कैलकुलेशन कर सकें और वर्किंग करके यहाँ पर लिख सकें। वैसे मैंने ऊपर हेडिंग भी दे दी है और मैं क्वेश्चन में बताता रहूँगा बार बार कि हम क्या चीज़ की तरफ क्या सॉल्व करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो इस जगह पर हम लिखेंगे सारे सम। सम के लिए मैंने साइन अप्लाई कर दी एस्टिमेशन का, तो हम वहाँ पर सम लिखते चले जाएंगे। चलिए अपने पहले कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम y की वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। ये आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं क्वेश्चन के अंदर वो y की वैल्यूज़ का सम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 17, 20, 19, तो कैलकुलेटर बेटा यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वैल्यूज़ का सम अब बनाना शुरू कर देते हैं। 17, 20, 19, 26, 24, 40, 35, 35, 51, 74 एंड 69, ये कुछ वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। इनका हम सम करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास 410, 410 हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 410। एज इट इज़ हमने x का भी सम कर लेना है क्योंकि हमारे पास ये सारी प्लस और माइनस में है, तो ये हमारे पास आंसर ज़ीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x और y का मल्टीप्लाई करवाना शुरू करेंगे। तो 17 मल्टीप्लाई टू माइनस फाइव करने से हमारे पास आंसर जो आएगा 17 मल्टीप्लाई टू कितने करना है आपने 17 मल्टीप्लाई टू माइनस फाइव, तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो बनकर आ रही है वो कितनी आ रही है, -85। जिन वैल्यू के साथ माइनस आना है वो हम पहले से ही लगा देते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आएगा 80, और देखिए 20 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 80 आया, 19 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 57 आएगा, और 57 के बाद 26 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 52 आपके पास आएगा, और 24 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 आएगा। तो नेक्स्ट आपके पास 0 को जब 40 से करेंगे 35 और जे 70 हो जाएगा। इसी तरह आपने ये सारी सिंपल सी वैल्यूज हैं, 51 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 से तो 153 हो जाएगा, और 74 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 296 हो जाएगा। बेटा ये कैलकुलेशन साथ साथ करते जाएं, देखते जाएं, कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू बनती है 69 मल्टीप्लाई टू 5, 69 मल्टीप्लाई टू 5 करने से 345 आएगा। साथ ही इनका अब हम सम भी करेंगे, इनका भी हम सम करेंगे और सारों को ऐड करेंगे। -85 के पास -80, -57, -52, -24, 0, 35 प्लस का, उसके बाद सारी वैल्यू 70, 153, 296 और 345, ये सब पॉजिटिव वैल्यू आपके पास होंगी। तो आंसर इनका बनेगा सारों का 601। अब आपने x के स्केयर करने हैं, 5 का भी स्केयर, 4 का भी स्केयर, 3 का स्केयर, 2 का स्केयर, 1 का स्केयर और इनका भी सम कर लेना है आपने। सम करके देखिए इसका सम बेटा क्या आता है, आपके पास x स्केयर कितना आता है, 110, ये आपके पास x स्केयर आ जाता है। ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। चलिए इसकी फोर्थ पावर भी बनाते हैं और फोर्थ पावर तो बना कर देखते हैं। 25 का फिर स्केयर कर लें तो आपको पता है 625 आ जाता है। 16 का स्केयर करते हैं तो 16 का स्केयर करने से 256 आता है। 9 का स्केयर करने से 81, 4 का स्केयर, आप ये सिंपल सी वैल्यूज हैं जो कि आपको याद हैं। 4 का स्केयर आपको पता है 16 आता है, 101, 16, 89। अभी आप ऊपर जो करके आए हैं वही वैल्यूज रिपीट होंगी, 256, और फिर आप जब करेंगे तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो इन सब का भी हम कैलकुलेशन करते हैं और इनके सारों की कैलकुलेशन करने के बाद 625, 256, 81, 16, 1, 0, 1, 16, 81, 256 और 625, तो ये आपके पास 1958 आता है। ये बेटा क्या आता है आपके पास, 1958। तो अब हमारे पास लास्ट जो कैलकुलेशन की चीज़ बचती है वो हमारे पास एक्स स्केयर को हमने वाई से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास एक्स स्केयर है और ये आपके पास वाई है, तो 17 मल्टीप्लाई टू 25, तो वो आपके पास बनता है 425।
5, 4, 25 बेटा बहुत ध्यान से करने वाला काम है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 16 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा आपके पास। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 9 को 19 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, बहुत ध्यान से करने वाला काम है। 171, फिर आपने क्या करना है, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। 4 को 26 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आता है 104। फिर आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो आपके पास आंसर आना है 24। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू बननी है वो है 0, तो 0 40 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो भी हो जाएगा 0। तो 1 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा 35, और फिर जब आप 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 140। फिर जब आप 9 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो आपके पास बन जाएगा 459। फिर आप करेंगे 16 को 74 से मल्टीप्लाई बेटा, बहुत ध्यान से करें। क्या करना है आपने, गौर से देखिए, आपने करना ये है 16 को 74 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास 1184 आंसर आएगा। फिर आपने 25 को 69 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास 1725 आएगा। अब इनकी जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं, सारों को प्लस करते हैं और फिर अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। अपना फाइनल सारी वैल्यूज का सामने निकाल लेने के बाद 425, 320, 171, 104, 25, 140, 459, 1184, 1725, इन सब को ऐड करके हमारे पास आएगा 4587। ये हमारे पास सारी वैल्यूज के सामने आ जाएंगे बेटा। इस यहाँ तक अभी हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल सारे आंसर्स आ चुके हैं, तो हम पुटिंग की तरफ बढ़ते हैं और पहला आंसर लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास ये 11th वैल्यूज़ थी, 11 इधर आ जाएगा और हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, सम ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का सम हमने ये निकाल के रखा हुआ है 601। गौर करें यहाँ पर आपके पास x का सम जो है 0 है, तो वो नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी 0 कर देगा और नीचे से डिवाइड में भी 0 का स्केयर करना है आपने, होल स्केयर करना है तो वो भी नहीं आएगा। तो एज इट इज़ आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे और नीचे आएगा आपके पास एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर का आंसर हमने निकाल के रखा हुआ 110 हमने इसका आंसर निकाल के रखा हुआ है। तो इसको हम सोल्व करते हैं और सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो जी बेटा, अब सोल्व करने के लिए हमने बहुत इतिहास से काम करना है, 11 मल्टीप्लाई टू 601, तो हमारे पास वो बनना है 6611 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई टू 110, तो आपके पास बनना है 1210। 6611 डिवाइडेड बाय 1210, तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी 5.4636, ये आपके पास बेटा बी की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, यकीनन बहुत इंसान इंतहाई आसान सा टॉपिक हमारे पास चल रहा है और हम इसको सॉल्व करने के लिए बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास अगर गौर करें तो अगर हम देखें तो हमें इंतहाई आसान से टॉपिक को सीखने के लिए ज़्यादा कुछ वैल्यूज नहीं, सिर्फ इसका सम बनाना ही ज़रूरी है। जब हमारे पास सम आ जाता है तो फिर हम ईजिली क्या नाम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने अगले वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नाम है कैसे उसको सॉल्व करना है। तो हम अब निकालते हैं सी, ये सी का फार्मूला आपके पास, एन 11 ही रहेगा आपके पास। ये चीज़ जो भी आपने क्या नाम है सम ऑफ बनाया था एक्स स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 4587, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर के आंसर को पुट करेंगे, वो आपके पास कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर का आंसर आपके पास 110 और समेशन वाई आपके पास कितना है 410। एक्स की 4 का आपके पास सम कितना आया है 1958।
और एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आया था, 110 का भी आप एक स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या नाम है हमारे पास आंसर क्या आता है। एलेवन मल्टीप्लाई टू 4, 5, 8, 7 तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 50457 माइनस 110 मल्टीप्लाई टू 410 तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 45100 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई टू 1958 21538 माइनस 110 का स्क्वायर। तो अब इसको भी हम सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 50457 माइनस 45100 तो ये आपके पास वैल्यू जो आती है वो आती है 5357 और डिवाइड में आपके पास वैल्यू आती है 21538 माइनस 12100 तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 9438। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5357 डिवाइडेड बाय 9438 तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ रहा होगा वो सी का फाइनल आंसर आया है 0.56759 तो ये आपके पास सी का भी आंसर आ चुका है। अब हमारे पास सी का भी आंसर आ चुका है और बी का आंसर भी आ चुका है। अब हमने सिर्फ जो चीज़ फाइंड करनी है वो चीज़ हमारे पास क्या चीज़ बचती है, ए। हमारे पास ए की वैल्यू बचती है जो कि हम फाइंड आउट करेंगे और ए निकालने का भी हम फार्मूला लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ए निकालने का फार्मूला भी हम लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो जो चूँकि आपको पता है हमारे पास आंसर क्या आ चुका हुआ है वो हम यहाँ पर अपने पास नोट कर लेते हैं। यहाँ हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास ए का आंसर अभी हम मिसिंग छोड़ते हैं और बी की जगह पर बी का आंसर पुट करते हैं जो क्या आया हमारे पास 5.436। ये हमारे पास आंसर आ चुका है 4636 प्लस थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, बाद में इसको रेस करके हम वहाँ पर वर्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सी का आंसर भी आ चुका है और सी का आंसर हमारे पास यहाँ पर 7x भी लगाएं और सी का आंसर आया है 0.5675 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम इसकी वर्किंग को रेस करके नेक्स्ट अपनी वर्किंग जो हमने करनी है वो भी हम वर्किंग कर लेते हैं। जी बच्चों, अब हम अपनी वर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं और हम फाइंड करें ए। जैसे कि आपको पता है समेशन वाई माइनस सी समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये हमारे पास इसकी वर्किंग बनेगी ए निकालने की। तो ए भी हम निकाल लेते हैं। तो समेशन वाई हमारे पास कितना आया था 410 माइनस, हमने अब करना है सी का आंसर यहाँ पुट करना है। ये देखिए जैसे कि हमने अभी सी का आंसर लिखा था वो कितना था 0.05675 और साथ सी के आंसर के साथ एक्स स्क्वायर का भी आंसर पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ चुका हुआ है 110, हमारे पास वो कितना आया था 110 डिवाइड में हमारे पास 11 आ जाएगा जैसे कि आपको पता है कि वो नंबर ऑफ वैल्यूज का है। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनता है। तो ये हमारे पास तो 410 एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस करेंगे हम 0.5675 मल्टीप्लाई टू 110 तो हमारे पास बनता है 62.425। तो ये हमारे वैल्यू उसको हम 11 पे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद 410 माइनस 62.425 ये करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनती है 347.575 डिवाइडेड बाय 11। जब इसको हम 11 पे भी डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 31.5977 ये हमारे पास ए का आंसर आ जाता है। जी बच्चों, यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया है। अब अपने आंसर को हम तरतीब देंगे और लिखेंगे। दोबारा से क्वेश्चन के अंदर मैं वैल्यूज पुट करके आपको बता देता हूँ। ए की जगह पर हम 31.5977 लिखेंगे, प्लस करेंगे बी की जगह बी का आंसर लिखेंगे जैसा कि ये हमारे पास बी का आंसर 5.46 प्लस करेंगे और प्लस करके हम नीचे वाली साइड पे लिख देते हैं ताकि आप समझ सकें। वो आएगा 0.5675 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है
सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन की, ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन की फाइनल इक्वेशन बनती है। जी बेटा, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक के बाद सिर्फ ट्रेंड वैल्यूज को कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है वो ट्रेंड वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एज इट इज़ यही चीज़ जो मैंने नीचे लिखी है, हम अगर यहाँ पर भी लिखना चाहें तो हम बआसानी लिख सकते हैं। अगर हम इसे रेज करें तो हम इसको यहाँ पर भी इस तरह लिख कर ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट ये हमारे पास है कि आपने 31.5977 प्लस 5.4636x प्लस आपने 0.5675x2। अब आप करेंगे क्या, गौर से देख लें बेटा। लास्ट टॉपिक आपका, लास्ट टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है और ये लास्ट पॉइंट भी है। सिर्फ आप करेंगे ये कि एक ही वैल्यू की जगह पर तो एज इट इज़ आप लिखा रहने देंगे 31.5977, और यहाँ पर आप पुट करेंगे पहली एक्स की वैल्यू जो कि आपके पास माइनस फाइव है, माइनस फाइव प्लस इसको 0.5675 और यहाँ पर भी माइनस फाइव का स्केयर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ट्रेंड वैल्यू पहली आती जाएगी। तो फिर वन बाय वन आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की और आपके पास सारी ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। आज का टॉपिक यकीनन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन पेपर पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी लेवल में भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जो नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपको वक्त पर मिलते रहें। फी मानिल्ला, अस्सलाम वालेकुम।